एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर में सबसे पहली एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टीआईआर। डायमंड क्यों चमकता है? टीआईआर की वजह से। क्यों? लाइट डायमंड की कटिंग ऐसी होती है, जब लाइट डायमंड में एंटर करती है तो वो कुछ नहीं, ग्लास ही है, तो कायदे से लाइट को उस डायमंड को छोड़ के रिफ्रैक्ट होके हवा में आ जानी चाहिए था। पर होता क्या है, डायमंड की कटिंग ऐसी है कि वो एंटर कर जाती है एक बार डायमंड के अंदर, सरफेस को टकराती है, और सरफेस को जब टकराती है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल बन जाता है, तो लाइट बाहर निकलने की बजाय डायमंड के अंदर आ जाती है, फिर दूसरी सरफेस को टक्कर मारती है। अब दूसरी सरफेस पे भी सेम फिनोमेना, एंगल हमेशा फिर क्या बन जाता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल, फिर तीसरी सरफेस को टक्कर मारती है, बाहर ही निकल पा रही, कई बार वो टक्कर मारती रहती है और लाइट चमकती है, तो डायमंड चमकता है क्योंकि लाइट अंदर फंस जाती है बिकॉज ऑफ टीआईआर। ऐसा नहीं कि हमेशा फंस जाती है, कभी ना कभी बाहर भी निकलती है, पर जब तक वो फंसी हुई है तब तक डायमंड चमकता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है मिराज। मिराज क्या है? मिराज एक फिनोमेना है जो गर्मियों में होता है। क्या फिनोमेना है मिराज फिनोमेना में? अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो स्पेशली डेजर्ट्स में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में लोगों को ऐसा लगता है कि सामने जैसे पेड़ है और पेड़ के नीचे पानी है, जब पास जाते हैं वहाँ पानी नहीं मिलता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लगता है कि सरफेस गीली है? हमें भी अगर आप गर्मियों में जाओगे, बहुत गर्म मान लो मौसम है, तो आपको सड़क भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे गीली है या कुछ जैसे फ्लोट कर रहा है कोई चीज़, पास जाते हो तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो ये मिराज है। मिराज में होता क्या है, मिराज के अंदर जो आपका जो अर्थ है गर्मियों में बहुत गर्म हो जाती है, ठीक। तो सपोज करो, जैसे मान लो ये अर्थ की सरफेस है, और सपोज ये एक ट्री है या कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लो यहाँ पे जिसको आपको देखना है, और ये आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है ये आपका ऑब्जर्वर की आई है, ठीक। होता क्या है, गर्मियों में स्पेशली अर्थ की सरफेस बहुत गर्म हो जाती है, सच दैट ये लेयर्स बन जाती हैं, एयर की लेयर्स हैं, ये हवा में एयर की लेयर्स हैं। कैसे? एयर की लेयर्स ऐसे हैं कि अगर आप इस तरफ जाएंगे तो डेंसिटी की वैल्यू, एयर की डेंसिटी की वैल्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऊपर जाते जाते एयर क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है। तो ये रेयरर है, ये और डेंस है। ये रेयरर क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है अर्थ का, तो एयर रेयरर हो जाती है। तो जितना ऊपर जाएंगे उतनी डेंस हो जाती है। अब होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर ने देखना है, तो लाइट कहाँ से निकलेगी, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से जैसी लाइट निकलती है, यहाँ पे लाइट निकली, इट विल एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू नेक्स्ट रेयरर मीडियम। तो रेयरर में एंटर करती है, और जैसी रेयरर में एंटर करती है इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ हिट करती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर किसी भी लेयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो लाइट अगली लेयर में आने की बजाय यहीं से क्या हो जाती है, टोटल रिफ्लेक्ट। आप सोच रहे होंगे रेट सीधी क्यों बनाई, टेढ़ी क्यों बनाई है, क्योंकि लेयर जो है वो जो डेंसिटी है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग यहाँ पर, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती है। कॉन्टीन्यूसली मतलब डेंसिटी की वैल्यू यहाँ से हल्का हल्का dx डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। तो लाइट स्ट्रेट नहीं, लाइट हवा में हर लेयर पे बिल्कुल छोटे से dx डिस्टेंस पे चेंज हो जाती है, अपना पाथ चेंज, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो करती करती क्या होगी, इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप देखेंगे कई बुक्स में डायग्राम स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, ऐसे केस में बिल्कुल कर्व बनती है। कर्व इसलिए क्योंकि हर इंस्टेंट पर लाइट क्या हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती जा रही है। तो ऑब्जर्वर की आईज में पड़ी, ऑब्जर्वर को लगता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ऑब्जर्वर को तो थोड़ा पता है कि ऐसे घूम के आ रही है, ऑब्जर्वर की आईज में आई, ऑब्जर्वर ने ज्वाइन किया, तो उसको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब जमीन के नीचे तो दिखता नहीं कुछ भी, तो उसको ऐसा लगेगा कि जमीन के नीचे पानी है और उसको शेडो उसको दिख रही है, तो उसको गीला नजर आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो शेडो नजर आती है, दिस इज बिकॉज ऑफ टीआईआर। और गर्मी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी टेम्परेचर पे हो पाएगा, तो बहुत गर्मी के अंदर ऐसा फिनोमेना देखा गया है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मिराज को हम क्या बोलते हैं, मिराज इज बेसिकली
ऑप्टिकल इल्यूजन, लाइट का धोखा है ये, कुछ नहीं है, इल्यूजन है ये, है नहीं वहां पर लेकिन लगता है. तो ऑप्टिकल इल्यूजन है विच अकर्स इन डेजर्ट्स ऑन हॉट समर डेज. ऑब्जेक्ट सच एज ट्रीज अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड ऑन हॉट समर डेज. टेम्परेचर ऑफ एयर नियर अर्थ इज मोर, डेंसिटी इज लेस. तो मैंने ये शॉर्टकट लिखा हुआ है कि जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा अर्थ की सर्फेस के पास, वहां डेंसिटी कम होगी और ऊपर जाते जाते डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो मैंने एक्सप्लेन किया यहां तक. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी एप्लीकेशन में, या एप्लीकेशन से पहले क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल के लिए आप इसकी जगह ना ऐसा लिख लो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, बुकलेट डायग्राम बना लो. क्रिटिकल एंगल में ये मीडियम लिखो दिस इज डेंसर, ये लिखो दिस इज रेयरर, डेंसर रेयरर. ठीक है, डायग्राम बना लो. आप ऐसे एक्सप्लेन करो कि रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल. ऐसे ही होता है. तो आप डायग्राम में ऐसे बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ कि रे ऑफ लाइट, यहां देखो आप एंगल क्रिटिकल लो, आप यहां पर कितने एंगल पर हिट करवाओगे इस सरफेस में नॉर्मल के साथ, क्रिटिकल एंगल पे. और जब एंगल क्रिटिकल होगा डेंसर में, तो रेयरर में ये एंगल क्या हो जाएगा, 90. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्शन का एंगल क्या हो जाएगा, 90. कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है. अब स्नेल्स लॉ लगाना. ये मान लो म्यू डेंसर है, ये मान लो म्यू रेयरर है. लगाएं स्नेल्स लॉ. म्यू डी इनटू साइन ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू रेयरर इनटू साइन ऑफ कितना, 90. साइन 91 है तो आपके पास क्या आएगा, साइन सी विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ आर अपॉन म्यू ऑफ डी. ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ठीक है, यहां तक क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन सी इज म्यू आर बाय म्यू डी, या फिर साइन ऑफ सी 1 अपॉन म्यू डेंसर बाय म्यू रेयरर. एक काम करें, म्यू रेयरर को नीचे ले आए तो म्यू डेंसर बाय म्यू रेयरर, और इसको ठीक तरह करके लिखेंगे तो क्या आएगा, डेंसर ऊपर है, डेंसर नीचे, रेयरर नीचे है, रेयरर ऊपर. तो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी इज 1 बाय म्यू डेंसर रेयरर. बस ये बॉक्स में जरूर डाल देना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर ये पहला स्टेप है स्नेल्स लॉ, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, और ये चौथा स्टेप है. तो एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आज के लेक्चर का, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू. अब म्यू में कंफ्यूजन होती है, काफी लोग इसको नहीं कर पाते क्योंकि दो मीडियम कभी कभी गिवन होते हैं, ग्लास भी वाटर भी, तो दो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होते हैं, तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कौन सा म्यू यूज करें. तो रूल भूलना नहीं है, ये डेंसर है और ये रेयरर है. तो ये जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे साइन सी का 1 बाय म्यू, तो म्यू में डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. कोई डाउट इसमें? तो साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, म्यू में डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर. बस ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, आज के न्यूमेरिकल में यूज करके दिखाऊंगा कैसे करना है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? सर फॉर्मूला क्लियर है? हां जी बोलो. सर